एक बेचारी बुढ़िया माँ थी, वो थोड़ी सी व्यापार करती थी, तो व्यापार में ही उसने पूरा जीवन गुजार दिया। वो भगवान का भजन किया नहीं, पर भाग्यवश उसके घर में जो नाती हुआ वो बड़ा जो है भगवान का भक्त हुआ। भगवान का भक्त हुआ तो जब उस बुढ़िया का अंतिम समय आया तो नाती ने कहा, दादी अब तुम कुछ मत बोलो, केवल राम नाम बोलो। बुढ़िया बोली, बेटा मुंह से बोलो ही ना जाए। नाती ने कहा, दादी जैसे तुम ये कह रही हो कि मुंह से बोलो ही ना जाए, उससे अच्छा राम नाम कहो। बुढ़िया बोली, बेटा मुंह से बोलो ही ना जाए। समझ गया नाती कि दादी बोल नहीं पाएगी। तो इतने में एक और चतुर भक्त आया, उसने कहा, तुम रुको हम बुलवाते हैं इनसे। तो उसने पूरे प्रश्न को ही उल्टा कर दिया। उल्टा क्या किया, उसने कहा, दादी तुम क्या नहीं बोल पा रही हो। उसने विचार किया कि जब मैं ये पूछूंगा कि दादी तुम क्या नहीं बोल पा रही हो तो ये कहेगी कि मैं राम नाम नहीं बोल पा रही हूँ। तो उसने पूरे प्रश्न को बदल दिया कि दादी तुम क्या नहीं बोल पा रही हो। तो बुढ़िया बोली, बेटा जो तू बुलवाए वो चाहे रहे है, बस वही नाए बोल पाए रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि अंत समय में राम नाम कब आएगा, जब जीवन भर अभ्यास करेंगे तब। आप सोचो कि एकदम अंत समय में राम का नाम मुख पर आ जाए तो ये संभव ही नहीं है। आप कितना भी प्रयास कर लो, कई लोगों को आप देखना जिन्होंने जीवन में राम नाम का अभ्यास नहीं बनाया तो अंत समय में राम नाम आ ही नहीं सकता। और जिसके मुख में अंत समय राम नाम आ गया उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं है। तो इसीलिए हम सब लोगों का अभ्यास है, अभ्यास जब बनाएंगे तो अंत समय में राम ध्यान में आएंगे। बोल बंसी वाले की जय।